नमस्कार, आज हम लोग सीए लैरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्सिनोमा ऑफ लैरिंग्स आज का हमारा टॉपिक है और इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लैरिंग्स के आसपास में कैंसर या जो कार्सिनोमा है उसको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। इसकी शुरुआत हम करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट से, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे वो एनाटॉमिकल रीजन जहां पर ये कैंसर सिचुएटेड हो सकते हैं। तो एनाटॉमी के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से लैरिंग्स को तीन अलग अलग रीजन में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें सुप्राग्लॉटिक रीजन, जिसमें इपिग्लॉटिस, फॉल्स वोकल कॉर्ड, वेंट्रिकल्स मींस आसपास के खाली जगह, एरी इपिग्लॉटिक फोल्ड्स और एरेटिनॉइड्स आते हैं। अब यहीं पर इसके बाद जो नीचे का हिस्सा होता उसे हम कहते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स, और इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर कैमोसोर्स भी शामिल होते हैं। यहां पर सब ग्लॉटिक रीजन की जब हम बात करते हैं तो ये वोकल कॉर्ड से 1 सेंटीमीटर नीचे ये रीजन स्टार्ट होता है और एक्सटेंड करता है लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज तक, या फिर फर्स्ट ट्रैकियल रिंग के ऊपरी सरफेस तक। तो आपको ये समझना होगा इसको कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं। इसको एक इमेज के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास भी करूंगा अभी, और इसको अगर आप समझने में मुश्किल हो रहा होगा तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनाटॉमी का, जो लैरिंग्स की एनाटॉमी का मैंने लेक्चर बनाया उसमें आप इस चीज को देख लें, तभी आप आगे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो अब हम बात करते हैं इसको एनाटॉमी से समझने के लिए। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो ये है एंटीरियर पार्ट, आगे से हम देख रहे हैं, और ये पीछे का हिस्सा है। यहां पर आप देखें तीन अलग अलग डिवीजन हैं, सुप्राग्लॉटिक, ग्लॉटिक और सबग्लॉटिक। सुप्राग्लॉटिक में सबसे प्रोमिनेंट हिस्सा कौन सा दिख रहा है? इपिग्लॉटिस का दिख रहा है, यहां पर आप देखें। इसके बाद आप यहीं पर देखेंगे फॉल्स वोकल कॉर्ड, यहां पर देखिए ये किसका हिस्सा है, तो फॉल्स वोकल कॉर्ड भी इसी का हिस्सा है, सुप्राग्लॉटिक का ही। इसके अलावा आसपास के जो खाली जगह है उनकी भी बात हम कर लें, और यहां पर आपको देखना होगा जो एरेटिनॉइड कार्टिलेज का हिस्सा है, और यहां पर एरी एपिग्लॉटिक जो फोल्ड का हिस्सा है, ये जितने भी पार्ट्स हैं ये इसी में से, इसी के तहत लिए गए हैं। तो यहां पर देखिए एरेटिनॉइड कार्टिलेज, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, इतना ही नहीं यहां पर आप देखिए प्री एपिग्लॉटिक स्पेस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक स्पेस है जहां पर टंग, यहां सुप्राग्लॉटिक रीजन के जो कार्सिनोमा है वो इस रीजन को इन्वेजिनेट कर सकते हैं, यहां तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इस हिस्से का अपना एक एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस है। ये फैटी टिश्यू यहां पर पाई जाती है नॉर्मली प्री एपिग्लॉटिक स्पेस में, लेकिन जब कैंसर ग्रो करता है तो इस पूरे हिस्से को कवर कर सकता है। ग्लॉटिक के हिस्से में हम देखेंगे ट्रू वोकल कॉर्ड को, और जहां ये वोकल कॉर्ड जुड़ते हैं उस एंटीरियर और पोस्टीरियर कमिसर के पार्ट को शामिल किया गया है। सब ग्लॉटिक रीजन में हम क्या लेंगे, ये 1 सेंटीमीटर बिलो ट्रू वोकल कॉर्ड से 1 सेंटीमीटर बिलो का हिस्सा है, मींस नीचे का हिस्सा है, और ये एक्सटेंड करता है लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज तक। तो यहां पर आप देखिए क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज के निचले हिस्से तक, या फिर आप ये कह लें पहले ट्रैकियल रिंग के ऊपरी हिस्से तक ये एक्सटेंड किए हुए होता। तो यहां से यहां तक का हिस्सा है सबग्लॉटिक। जब हम बात करते हैं लैरिंग्स के कार्सिनोमा की हिस्टोलॉजिकल बेसिस पर, उसके स्ट्रक्चर्स की, तो आप जान लें मैक्सिमम लैरिंजल मैलिग्नेंसीज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होती हैं। यानी आप यहीं पर ही नहीं, ईएनटी के जितने भी मैक्सिमम मैलिग्नेंसीज होते हैं वो स्क्वैमस सेल टाइप के ही होते हैं। इस प्रकार के जो लैरिंजल की जब हम बात कर रहे हैं तो लैरिंजल मैलिग्नेंसीज की मैक्सिमम केसेस भी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के ही टाइप की होंगी, जिसमें वेरियस डिग्रीज ऑफ डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। इसमें केराटिनाइजिंग, नॉन केराटिनाइजिंग सेल्स होंगी, डिफरेंशिएशन वेल डिफरेंशिएटेड होगा, पुअरली डिफरेंशिएटेड होगा, इसके आधार पर इसके कई सब टाइप्स बनाए जाते हैं हिस्टोलॉजिकल बेसिस पर। तो आप देखेंगे इस तरीके से मैक्सिमम तो ये हैं, जो बच गए 5-10% उसमें
स्पिंडल सेल कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट सैलेवरी ग्लैंड ट्यूमर और सार्कोमास आते हैं। आपको रीजन वाइज अगर देखें कि ये जो भी कार्सिनोमा है, ये तो हिस्टोलॉजी की बेसिस पर हमने बताया। अगर हम लोकेशन की बेसिस पर कहें तो कार्सिनोमा, ग्लॉटिक कार्सिनोमा सबसे ज्यादा होता है, 59% ग्लॉटिक रीजन में कैंसर होता है, सुप्राग्लॉटिक रीजन में उसके बाद, और सब ग्लॉटिक काफी रेयर होता है, 1% केसेस में होता है। यहां पर आप देखेंगे ये जो कैंसर है, लैरिंग्स के कैंसर, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा प्रेविलेंट है इन कंपैरिजन टू वेस्ट। अब सवाल ये है कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही इतना प्रेविलेंट क्यों है? तो कंपैरिजन के आधार पर जो बात कही गई है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये क्यों इतना प्रेविलेंट है, तो टोबैको च्यूइंग हमारे वहाँ काफ़ी कॉमन है। टोबैको के अलावा अल्कोहल इनटेक, सिगरेट स्मोकिंग, दूसरे तरीके के जो भी हाइड्रोकार्बन्स, जो स्मोक के फॉर्म में जो हम हाइड्रोकार्बन्स को इनहेल कर लेते हैं, वो सारे कार्सिनोजेनिक माने जाते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ वायरल इन्फेक्शन जैसे लैरिंजियल पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन से भी लैरिंजियल कैंसर होने के चांसेस होते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो कि कुछ खास किस्म के ऑक्यूपेशंस के इसके से रिलेटेड हों, जैसे कि एस्बेस्टस, मस्टर्ड गैस या केमिकल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों में भी लैरिंग्स के कैंसर काफ़ी कॉमन होते हैं। ये सारी चीज़ें धिंगरा की बुक में दी गई हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस मैं आगे और पीछे करके बोल रहा हूँ, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको धिंगरा की बुक में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं ग्लॉटिक कैंसर से, जो कि रीजन वाइज अब हम चलेंगे, रीजनल रीजन के आधार पर हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा कैंसर है? ग्लॉटिक कैंसर है। ये कहाँ तक स्प्रेड कर सकता है, ये कहाँ तक स्प्रेड करके जाएगा? तो ये एंटीरियरली एंटीरियर कमिसर की ओर, और पोस्टीरियरली ये पीछे की ओर वोकल प्रोसेस और रेटिनॉइड प्रोसेस तक जा सकता है। ऊपर की ओर ये वेंट्रिकल और फॉल्स कॉर्ड तक जा सकता है, और नीचे की ओर सब ग्लॉटिक रीजन में जा सकता है। इस पॉइंट्स को अभी मैं आपको जस्टिफाई करा दूंगा, कैसे मैं इसके रीजनल स्प्रेड के बारे में जो बता रहा हूं उसको अभी मैं जस्टिफाई करा दूंगा। इसमें सिम्टम्स क्या होंगे उसको पहले हम देख लेते हैं, फिर हम इमेज में इन सारे स्प्रेड के रीजन को देख लेंगे। सिम्टम्स में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ये अर्ली साइन है, क्योंकि जो कॉर्ड का लेजन होने की वजह से उसकी वाइब्रेटरी कैपेसिटी प्रभावित होती है, और जैसे जैसे ग्रोथ होता जाता है, जैसे जैसे ट्यूमर का साइज बढ़ता जाता है, स्ट्राइडर के फीचर्स आने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में कैसे जो ग्लॉटिक कैंसर है वो कैसे स्प्रेड करेगा। यहां पर देखें आप, ग्लॉटिक कैंसर में मैंने आपको बताया था एंटीरियरली ये एंटीरियर कमिसर तक ये फैल सकता है। पोस्टीरियरली इसके कहां पर स्प्रेड, कहां तक ये स्प्रेड कर सकता है? पोस्टीरियरली ये एरेटिनॉइड जो प्रोसेस है वहां तक ये कर सकता है। आप देखिए यहां पर पोस्टीरियर कमिसर, यहां पर एरेटिनॉइड प्रोसेस है, यहां तक ये कर सकता है। ऊपर की ओर जब हम बात करते हैं तो ऊपर की ओर ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल मतलब क्या, ये अगर ट्रू वोकल कॉर्ड है तो इसी के ऊपर फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है। इसको समझने के लिए एनाटॉमी का लेक्चर देखना जरूरी है। तो फॉल्स वोकल कॉर्ड और ट्रू वोकल कॉर्ड के बीच के जगह को वेंट्रिकल कहते हैं, वहां और फॉल्स वोकल कॉर्ड तक पहुंच सकता है। नीचे की ओर अगर ये जाएगा तो सब ग्लॉटिक रीजन में स्प्रेड कर सकता है, तो यही आसपास के हिस्से को ये कवर करेगा। यहीं पर आप देखिए आसपास की एनाटॉमी को समझना बहुत जरूरी होता है। यहां पर आप एपिग्लॉटिस को देखिए, तो अभी तो हम बात कर रहे हैं ग्लॉटिक कैंसर की, लेकिन इसी से ऊपर जब आप थोड़ा सा जाकर के सोचेंगे, इसी से ऊपर जाकर के तो हम सुप्राग्लॉटिक रीजन में होंगे। तो सुप्राग्लॉटिक कैंसर एपिग्लॉटिस के रीजन में हो सकता है, यहां पर डेवलप हो सकता है। फॉल्स वोकल कॉर्ड इसके ऊपर होगा, वहां पर डेवलप हो सकता है। वो एरी एपिग्लॉटिक जो फोल्ड्स होते हैं वहां पर डेवलप हो सकता है।
तो इस तरीके से वो डेवलप हो सकता है, और जब डेवलप होगा तो आसपास के हिस्से को ही वो कवर भी करेगा। तो यहां पर आप देखेंगे टंग, चूंकि यहीं पर टंग का हिस्सा होता है तो टंग के आसपास में पहुंच सकता है स्प्रेड करके फैलते हुए। ये जो पायरीफॉर्म साइनस जो आप देख रहे हैं, ये जो पीछे की ओर, यहां पर पहुंच सकता है। सुप्राग्लॉटिक की मैं बात कर रहा हूं, ग्लॉटिक का तो मैंने बता दिया, सुप्राग्लॉटिक की बताऊं तो यहां एपिग्लॉटिस हो गया, एरीपिग्लॉटिक फोल्ड हो गया, फॉल्स वोकल कॉर्ड हो गया, वहां से ये डेवलप करेगा। तो यहां एपिग्लॉटिक वाला आगे की ओर पहुंचेगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया भी था इमेज के माध्यम से, यहां पर पायरीफॉर्म साइनसेस में भी ये पहुंच सकते हैं। तो ये अलग अलग रीजन में आसपास के हिस्से को कवर कर सकते हैं सुप्राग्लॉटिक कैंसर में। लेकिन ऑब्जेक्टिव अभी हमारा है ग्लॉटिक कैंसर को समझने का, तो इतने ही हिस्से पर आप फोकस करके अपनी बात को समझेंगे। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं, ग्लॉटिक कैंसर को एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्लॉटिक कैंसर क्या है? सबसे कॉमन कैंसर है, 59% मामलों में देखने को मिलता है, स्प्रेड करेगा तो कहां तक? एंटीरियरली एंटीरियर कमिसर तक, पोस्टीरियरली वोकल प्रोसेस और एडेनॉइड प्रोसेस तक, ऊपर की ओर वेंट्रिकल्स और फॉल्स कॉर्ड तक, नीचे की ओर सब ग्लॉटिक रीजन में। सिम्टम्स क्या होंगे? होर्सनेस ऑफ वॉइस शुरुआती सिम्टम होगा, जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा स्ट्राइडर भी डेवलप होता जाएगा। तो इस तरीके से वॉइस की क्वालिटी बदलती जाएगी, यहां पर मैंने आपको बताया है, ये सारी इमेज के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसमें एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर वोकल कॉर्ड के आसपास में जो लिम्फेटिक चैनल्स हैं वो कम होते हैं, इसीलिए नोडल मेटास्टेसिस बहुत कम होता है, और इसलिए ये देखने को मिलता है कि अगर शुरुआती कैंसर है, ग्लॉटिक कैंसर शुरुआती उसमें है, तो नोडल मेटास्टेसिस ना के बराबर होता है। ये तभी पॉसिबल है जब ये मेम्ब्रेनस कॉर्ड तक के रीजन को कवर कर जाए, तभी ये लिम्फ नोड्स तक ये पहुंच सकता है, इसका स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि लिम्फ नेट का इन्वॉल्वमेंट कम होता है। और दूसरी बात यह है कि शुरुआती दौर में ही हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ इसकी प्रेजेंटेशन होती है, इसलिए तुरंत पता चल जाता है अर्ली प्रेजेंटेशन होने की वजह से, और स्प्रेड बहुत लेट में होता है, न के बराबर चांसेस होते हैं लिम्फेटिक्स तक पहुंचने के, तो इसलिए इसकी गुड प्रोग्नोसिस होती है। ये अगर ग्लॉटिक रीजन में है तो ज्यादा गुंजाइश होती है, बेहतर इसमें ट्रीटमेंट की गुंजाइश होती है। यहां पर आप देखें इस हिस्से में कैंसर का ग्रोथ है, यहां पर ग्लॉटिक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा लैरिंग्स का है, और ये एंटीरियर हाफ ऑफ लेफ्ट वोकल कॉर्ड को ये कवर कर रहा है, ऐसा यहां पर दिखाने का प्रयास किया गया है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कैंसर कहां पर डेवलप हो रहा है इसको। अब यहां पर जस्टिफाई कर पाना कि एंटीरियर कौन सा है, पोस्टीरियर कौन है, ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम एपिग्लॉटिस को देख नहीं पा रहे हैं, और पीछे एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स और एरेटिनॉइड जो कार्टिलेजेस होते हैं उनके इमेजेस नहीं है अवेलेबल, तो इसलिए कह पाना थोड़ा मुश्किल है। बात करें नेक्स्ट जो ग्लॉटिक के ऊपर के कैंसर की, सुप्रा ग्लॉटिक कैंसर की, तो ये कंपैरेटिवली लेस फ्रिक्वेंट होता है, लगभग 40% मामलों में ये देखने को मिलता है, और यहां पर मैंने आपको इमेज में ही समझा दिया था पहले से ही कि इसमें लेजन जो देखने को मिलेगा वो एपिग्लॉटिस में, फॉल्स कॉर्ड में, और उसके बाद जो लेजन हो सकते हैं वो एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड में हो सकते हैं। ये स्प्रेड करेगा तो आसपास के हिस्से में वेलेक्युला, बेस ऑफ ट्रंक, टंग पर डेवलप पहुंच सकता है, अगर ये एपिग्लॉटिक रीजन में डेवलप हो रहा होगा तो। अगर ये एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड के आसपास में होगा तो पायरीफॉर्म जो फोसा आसपास की थी वहां इन्वॉल्व कर जाएगा। नोडल मेटास्टेसिस यहां पर बहुत बहुत जल्दी हो जाता है। नोडल मेटास्टेसिस की बात करें तो जब टीएनएम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो शुरुआती ट्यूमर होते हैं उसके 20% मामलों में ही ये मेटास्टेसिस होकर के नोडल मेटास्टेसिस हो जाती है। T2 स्टेज का, T2 लेवल का अगर ट्यूमर है सबग्लॉटिक तो 35% केसेस में ऐसा हो जाता है। अगर T3 लेवल का है, लेवल का अगर ट्यूमर है और उसमें 50% मामलों में नोडल मेटास्टेसिस देखी जाती है, T4 लेवल का है तो 65% केसेस में ये नोडल मेटास्टेसिस हो जाता है। यहां पर आप देखेंगे अपर और मिडिल जुगुलर लिम्फ नोड्स ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं इसको दिखाने का प्रयास करूंगा एक इमेज के माध्यम से। इस इमेज में हम लोग लिम्फ नोड्स की पोजिशनिंग देख सकते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं जुगुलर
चेन जिसे हम कहते हैं जुगलर लिम्फ नोड्स के रूप में, जिसको हम यहां पर जस्टिफाई कर रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे जुगलर वेन्स के इर्द गिर्द इसकी पोजीशनिंग के आधार पर, रीजन के आधार पर कहा जाता है अपर जुगलर चेन, मिडिल जुगलर चेन और लोअर जुगलर चेन। ऐसे ही आप देखेंगे पोस्टीरियर ट्रायंगल में पाए जाने वाले लिम्फ नोड्स, और यहां पर आप देख रहे हैं सब मेंटल लिम्फ नोड्स, यहां पर आप देख रहे हैं सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। तो आप देख रहे हैं जुगलर चेन के यहां पर तीन लेवल, अपर, मिडिल और लोअर। अब आप यहां पर देखें, इन जनरल पहले देख लें फिर हम इसके बारे में डिटेल में चलेंगे। अपर जुगलर चेन जो कि जुगलो डायगेस्ट्रिक एरिया में पाया जाता है, इसमें क्या होता है, जो अपर जुगलर चेन में जो भी पहुंचते हैं मेटास्टेसिस होकर के, वो नेजो फेरिंग्स के आसपास के होंगे। और यहां पर आप देखें मिडिल जुगलर चेन में क्या होगा, ये डीप लैटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स का ग्रुप है जिसमें मेटास्टेसिस किसी भी पार्ट का, ओरल कैविटी का हो, फेरिंग्स का हो, लैरिंग्स का हो। इसीलिए मैंने आपको बताया था मिडिल जुगुलर लिम्फ नोड्स में क्या होता है, मिडिल जुगुलर लिम्फ नोड्स में मेटास्टेसिस के बाद ये जो भी लैरिंग्स के ट्यूमर यहीं पर मिडिल जुगुलर चेन में पहुंचते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये खास तौर पर यहां पर मिडिल जुगुलर चेन। आप लोअर जुगुलर चेन के बारे में देखें तो यहां पर आपको मिलेगा मेटास्टेसिस जो थायराइड, पायरीफॉर्म साइनसिस या अपर उस फिगस के हों, तो ये यहां पर पहुंच जाते हैं। और पोस्टीरियर ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो ये जो भी मेटास्टेसिस नेजोफेरिंग्स, पोस्टीरियर स्कैल्प, ईयर, टेम्पोरल बोन और स्कल बोन से होते हैं, वो यहां पर जाते हैं। तो अल्टीमेटली यहां का जो हिस्सा है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जो अपर और मिडिल जुगुलर लिम्फ नोड्स होते हैं वहां पर लैरिंग्स के सुप्रा ग्लॉटिक कैंसर, यहां पर सुप्राग्लॉटिक कैंसर की मेटास्टेसिस जो होती है वो इस रीजन में खास तौर पर होती है। इसमें अपर जुगुलर और मिडिल जुगुलर खास होते हैं। चलिए एक इमेज के माध्यम से उन सारी चीजों को विजुअली देखने की कोशिश करते हैं कौन कहां पर दिखेगा। तो ये है एपिग्लॉटिस का हिस्सा, ये है लेफ्ट फॉल्स वोकल कॉर्ड, और यहां पर देख रहे हैं आप लेफ्ट एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड का पार्ट, और ये है लेफ्ट फॉल्स वोकल कॉर्ड, और जबकि इधर इसी के नीचे है ट्रू वोकल कॉर्ड। और आप देख रहे हैं राइट साइड में कुछ भी दिख नहीं रहा, वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहां पर कैंसर है सुप्राग्लॉटिक जो कि फॉल्स वोकल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर चुका है। यहां पर देखिए फॉल्स वोकल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर चुका है और ये आसपास के हिस्से तक भी कैप्चर कर चुका है। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसे, और इसके सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं सुप्राग्लॉटिक कैंसर की, तो चूंकि ये खास तौर पर ट्रू वोकल कॉर्ड से ऊपर का मामला है इसलिए हॉर्सनेस इसमें लेट सिम्टम्स होती है, ये थ्रोट पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है चूंकि सुप्राग्लॉटिक रीजन में, इसलिए डिस्फेजिया भी हो सकता है, कान में रिफर्ड पेन हो सकता है, लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस पहले हो जाती है इसलिए लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो सकती है नेक में, लेकिन हॉर्सनेस एक लेट सिम्टम से इसलिए बाद में पता चलता है, ज्यादा जो ऑब्जर्व करने की जो बात होती है वो बाद में पता चल पाती है और तब तक लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस हो चुका होता है, इसलिए इसकी प्रोग्नोसिस बैड होती है, इसमें बैड प्रेग्नोसिस इसलिए होता है क्योंकि शुरुआती स्टेजेस में ही ये स्प्रेड कर जाएगा और लेट में ये प्रेजेंट करता है। तो यहां पर आप देखें ये कहां कहां तक पहुंच सकता है, तो यहां पर देखें प्री एपिग्लॉटिक, यहां पर देखिए प्री एपिग्लॉटिक जो स्पेस है वहां पर मैंने आपको बताया था यहां से जो भी ट्यूमर होंगे वो यहां तक फैल सकते हैं। ऐसे ही पैराग्लॉटिक, यहां पर देखिए पैराग्लॉटिक आसपास के जो हिस्से हैं यहां पर भी ये इन्वॉल्व कर सकता है। तो यहां पर प्रीग्लॉटिक और पैराग्लॉटिक स्पेस में ये जा सकता है ट्यूमर जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा। सब ग्लॉटिक कैंसर की बात करें तो सब ग्लॉटिक कैंसर बहुत रेयर होता है, और ये कहां तक स्प्रेड करेगा, ये एंटीरियर वॉल की ओर स्प्रेड कर सकता है, अपोजिट साइड को टू अपोजिट साइड या डाउनवर्ड अगर जाएगा तो ये ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया को तक स्प्रेड कर सकता है, ये
क्रिक्वायर्ड सॉरी क्रिकोथायराइड यानी क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज और थायराइड जो कार्टिलेज है उसके बीच के मेम्ब्रेन को इन्वेड कर सकता है, ये थायराइड ग्लैंड को इन्वेड कर सकता है, ये नेक की मसल्स को भी ये इन्वेड कर सकता है। इसमें भी पैराट्रैकियल लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस होती है। इसमें सिम्टम्स के रूप में स्ट्राइडर अर्लीएस्ट प्रेजेंटेशन होता है, जबकि आपने देखा ग्लॉटिक में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, क्यों? क्योंकि वो सीधे तौर पर ट्रू वोकल कॉर्ड को वहां पर इन्वॉल्व कर रहा था ग्लॉटिक वाले पार्ट्स में, इसलिए वहां हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ था, स्ट्राइडर बाद में प्रेजेंटेशन था, जबकि सुप्राग्लॉटिक में हमने देखा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस लेट प्रेजेंटेशन है, जबकि यहां पर सबग्लॉटिक में देख रहे हैं स्ट्राइडर सबसे शुरुआती प्रेजेंटेशन होता है। तो इनके बीच का अंतर आपको पता होना चाहिए, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस लेट होगा सबग्लॉटिक में, सबग्लॉटिक में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस लेट प्रेजेंटेशन होगा, इसको समझना होगा, क्योंकि अपवर्ड जब स्प्रेड होगा तभी ये चीज हो सकती है, और अपवर्ड स्प्रेड लेट में होगा क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं सबग्लॉटिक रीजन की, तो आपको इमेजिन करना होगा, इसलिए हॉर्सनेस लेट प्रेजेंटेशन के रूप में दिखेगा। यहां पर हॉर्सनेस अगर दिख रहा हो और वो भी सबग्लॉटिक का मामला है तो आप समझ सकते हैं कि ये वोकल कॉर्ड के अंडर सरफेस तक पहुंच चुका है, ये थायरोएरोटेनॉइड मसल्स को इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, और यहां पर ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को भी इन्वॉल्व कर चुका है। तो ऐसे मामलों में ही ये चीजें हो सकती हैं कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो। इस चीज को समझने के लिए एनाटॉमी के लेक्चर्स को एक बार देखना बहुत जरूरी है। डायग्नोसिस की बात करें हम तो लैरिंजियल कैंसर की कैसे डायग्नोसिस बनाई जाएगी, तो आप हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में आप सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पर ग्लॉटिस सबग्लॉटिस सुप्राग्लॉटिक को आप डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। इसको सपोर्ट करने के लिए आप इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी कर सकते हैं, और इसके द्वारा आप देखने की कोशिश करेंगे अपेरेंस ऑफ लेजन जो वेरी करता रहता है लोकेशन के आधार पर, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग तरीके के लेजन होंगे, इसलिए इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी में अलग अलग तरीके के लेजन देखने को मिलेंगे। इसमें वोकल कॉर्ड फिक्स है या नहीं है इसको भी देखने की कोशिश की जाती है, तो आप देखेंगे अगर वोकल कॉर्ड फिक्स हो गया है यानी डीपर इनफिल्ट्रेशन हो चुका है। यहां पर हम एक्सटेंट ऑफ डिजीज के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं, कहां तक हो चुका है, इसलिए इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी ये सारी चीजों को बताने में सपोर्ट करता है। डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी किस लिए करते हैं? डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी के द्वारा लैरिंग्स के जो हिडन पार्ट हैं उनको देखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आपको पता है इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी से सारे पार्ट्स लैरिंग्स के देखना पॉसिबल नहीं होता, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए उन सारे रीजंस को हिडन एरियाज ऑफ लैरिंग्स को देखने के लिए डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करना पड़ता है। डिजीज के एक्सटेंट को भी देखने के लिए डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करते हैं। इस दौरान नोडल मेटास्टेसिस एक्स्ट्रा लैरिंजियल स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ इसके लिए नेक का एग्जामिनेशन करते हैं, तो उससे ये चीजें पता चल जाती हैं, एक्स्ट्रा लैरिंजियल स्प्रेड हुआ है या नोडल मेटास्टेसिस हुआ इसके बारे में पता करने के लिए ये मदद करेंगे। रेडियोग्राफी के द्वारा भी हम सपोर्ट लेते हैं डायग्नोसिस बेहतर बनाने के लिए, स्प्रेड के कहां तक हुआ इन सारी चीजों को जानने के लिए। इसके लिए चेस्ट एक्सरे किया जा सकता है, क्योंकि कई मामलों में क्या होता है लंग्स में मेटास्टेसिस होने की वजह से पल्मोनरी मेटास्टेसिस और मीडियास्टिनल जो लिम्फ नोड्स हैं वहां तक ये इन्वॉल्व हो सकता है मेटास्टेसिस के द्वारा, इसलिए चेस्ट एक्सरे को रिलेट करना जरूरी होता है। सीटी स्कैन एक काफी यूजफुल इन्वेस्टिगेशन है जिसके द्वारा ट्यूमर का एक्सटेंट, उसका इन्वेजिनेशन कहां पर है, प्री और पैरा एपिग्लॉटिक स्पेस में कहां तक इन्वेजिनेट करके गया हुआ है, कार्टिलेज को डिस्ट्रक्ट कितना किए हुए हैं, कितने लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हुई, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। और यहां पर इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो माइक्रो लैरिंगोस्कोपी करते हैं स्मॉल लेजन को देखने के लिए, लैरिंगोस्कोपी को एक माइक्रोस्कोप की मदद से करते हैं ताकि बेहतर तरीके से देख सकें। सुप्रावाइटल स्टेनिंग और बायोप्सी की मदद ली जा सकती है, लैरिंजियल लेजन के टुकड़े को लेकर के टॉलुडीन ब्लू के द्वारा कलर किया जाए और उसको एग्जामिन किया जाए, तो आप देखेंगे यहां पर कार्सिनोमा इन सीटू और सुपरफिशियल कार्सिनोमा
जो है ये डाई को ले लेते हैं और ल्यूकोप्लैकिया अगर होगा तो ऐसा कलर नहीं लेगा। और इस तरीके से आप बायोप्सी की मदद से आप आइडियाज बना सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है। टॉलुरिन ब्लू कलर ब्लू के डाई को जो भी जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं वो उसके डाई को ले लेंगी, लेकिन अगर वो ल्यूकोप्लैकिया है तो ऐसा नहीं होगा, डाई के कलर को वो नहीं लेंगी। तो इससे आप अंतर कर सकते हैं। कई अलग अलग सपोर्ट आपको मिले जिसके द्वारा हम इसके बारे में एक आइडिया बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे TNM स्टेजिंग की और ट्रीटमेंट के प्लानिंग की।